क्या सोच रहे हो बेटा? मैं कितना बदनसीब हूं नामी, लोग तो अपनी मोहब्बत को पाने के लिए जिंदगी भर तड़पते रहते हैं और मैंने अपनी मोहब्बत को पाकर उसे अपनी नफरत का निशाना बना दिया। क्या ही अच्छा होता कि मुझे मरियम से मोहब्बत का एहसास उस वक्त होता जब वो मेरे पास थी, या फिर आज भी ना होता। अच्छा छोड़ना यार, अब गुस्सा करने से क्या फायदा? पता नहीं क्या मसला है यार उसके साथ, कुछ खुलकर बताते ही नहीं है मुझे। एक बार खुलकर मुझसे अपना खौफ शेयर कर ले। तू वाकिफ तो है उसके नेचर से, भूल गया पहले भी उसने जरा सी बात पे तेरी कितनी इंसल्ट की थी? यही बात तो मैं जानना चाहता हूँ, आखिर वो क्यों करती है वो मेरे साथ ऐसा बार बार? ऐसा क्या किया है यार मैंने? देख यार, मुझे ये तो नहीं मालूम, लेकिन मेरा ये मशवरा है कि तुझे अब उसे भूलना होगा। मैं नहीं भूल सकता उसको यार, तू अच्छी तरह जानता है कि मरियम मेरी जिंदगी की वो पहली लड़की है जिसे मैंने मोहब्बत की है। मैं नहीं भूल सकता यार उसे। बेवकूफी की बातें मत करो, तुम्हारा किरदार अभी भी उसकी नजर में साफ नहीं होगा। वो किस तरह तुमसे मोहब्बत करेगी? करना पड़ेगा उसे एतबार, मेरी बात का एतबार उसे करना पड़ेगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े मैं जाऊंगा। मतलब आपने मजनू बनने का फैसला कर लिया? ठीक, अच्छा चल पानी तो पी ले। देखो बेटा, जिस चीज को तुम मोहब्बत समझ रहे हो ना, वो तुम्हारे अंदर का गिल्ट है। तुम्हें एहसास हो गया है कि तुमने मरियम के साथ गलत किया, बस उसी की पछतावा हो रही है तुम्हें। मैं जानता हूं मैंने मरियम के साथ बहुत बुरा किया है, मैं अपने किए पर बहुत पछतावा भी हूं, लेकिन हकीकत यही है अम्मी, कि मैं मरियम के इश्क में मुब्तला हो गया हूं, उस इश्क में जिसकी शायद कोई मंजिल भी नहीं है। याद रखो बेटा, तुम उसे तलाक दे चुके हो। इसी बात का तो दुख है कि मुझे मरियम से मोहब्बत उस वक्त क्यों नहीं हुई जब वो मेरे पास थी, हालांकि आज तो उसके दिल में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत की आग होगी जिसे मेरी मोहब्बत भी नहीं बुझा सकती। अब तबीयत कैसी है बेटा आपकी? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर अंकल। That's good। इनकी तमाम दवाइयाँ बंद कर दें अभी आप। डॉक्टर अंकल। जी बेटा। मुझे छुट्टी कब मिलेगी? अब मैं और यहाँ नहीं रह सकती। गुड़िया घर जाना चाहती है? हुँ। एक शर्त पे छुट्टी मिलेगी आपको। कौन सी शर्त? शर्त ये कि आपको घर पे कम्प्लीट रेस्ट करना होगा जब तक ये पट्टी नहीं खुल जाए। ठीक है तो फिर हम आपको अभी छुट्टी दे देते हैं। थैंक यू डॉक्टर अंकल। ऐसा है कि हम कुछ मेडिसिन लिख के दे रहे हैं इनको, अगर इनको पेन हो तो ये आप इनको दोबारा दीजिएगा। जी डॉक्टर साहब। क्या आप इनकी डिस्चार्ज समरी अकाउंट्स में दे दीजिए ताकि अकाउंट्स फाइनल कर दें। ठीक है, ओके बेटा। वाह, ये तो छुट्टी मिल गई, अभी आती हूँ लेकर। भाई वो मुझे बेड नंबर 32 का बिल मालूम करना है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? क्या डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया? हाँ जी। एक मिनट के आपको बताता हूँ। जी। पेशेंट का नाम? हमना। मैडम आपके ड्यूज तो क्लियर है? जी। आपके ड्यूज तो क्लियर है? नहीं, पर मैंने तो आपको पैसे नहीं दिए। मैडम ड्यूज क्लियर है आपके? इनका बिल इस वजह से चार्ज करना।
हेलो, आप ठीक सोच रही हैं मरियम, हॉस्पिटल का बिल मैंने पे किया। क्या मैं पूछ सकती हूँ शान साहब, आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? इस बात का जवाब मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन अगर आपको याद ना हो तो फिर से बता देता हूँ। ये सब कुछ मैं हमना के लिए कर रहा हूँ। क्यों, क्या रिश्ता आपका हमना से? क्या लगती है वो आपकी? मरियम, जरूरी नहीं है कि सारे रिश्ते खून के ही हों, कुछ रिश्ते इंसानियत के भी होते हैं, और हमना से भी मेरा वही रिश्ता है। लेकिन ये सब बातें मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आपने तो वही सोचना है ना जो आप अब तक मेरे बारे में सोचती आ रही हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक दिन आएगा कि आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। आपको अपनी सोच पर पछतावा होगा, क्योंकि मैं आपको यकीन दिला दूंगा कि मैं आपसे सच्ची और पाक मोहब्बत करता हूं। मरियम, मैंने आप पर कभी कोई बुरी नजर नहीं रखी और मेरी नीयत में कोई खोट नहीं है। रेजा रेजा किए तूने सपने मेरे, एक पल में कई। मैं मानता हूं कि मैं एक बहुत बुरा इंसान था, लेकिन अब मैं तब्दील हो चुका हूं। मैं वो पुराने वाला जाने आलम नहीं हूँ। आँखों में जम गई जिनकी परछाइयाँ, प्यार मेरा गवाह, सुन मेरे बेवफा। मैं तुम्हारे सारे गम दूर कर दूंगा, तुम्हें वो इज्जत और मर्तबा दूंगा जिसकी तुम आगे की मायनों में हकदार हो। बस तुम्हें मुझ पर थोड़ा भरोसा करना होगा। जब सारी हकीकत जानते हो तो फिर ऐसे ख्वाहिश का इजहार क्यों कर रहे हो? तो नामुमकिन है। मोहब्बत पर किसका बस चलता है अम्मी? मोहब्बत तो इंसान को बेबस कर देती है। सिर्फ कहने की बात है, निकाह के दो बोलों में इतनी ताकत होती है कि बरसों पुराने मरीज इश्क को भी शिफा याब कर सकता है। हमेशा की तरह से मैं तुमसे यही कहूंगी कि बस मरियम को भूल जाओ बेटा, कुछ भी कर लो वो तुम्हारी नहीं हो सकती। बेहतर यही होगा कि तुम चाहे दिल पर पत्थर रखकर इसे किसी और लड़के को मरियम की जगह अपने दिल में बिठा कर देखो। तुम देखना, कुछ ही अरसे में मरियम तुम्हारे दिलो दिमाग से ऐसे गायब हो जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं। और उसकी यादों ने जो मेरे दिल पर कब्जा जमाया हुआ है, उसका क्या करूं मैं? वो महज इसलिए कि तुम समझते हो कि तुम उसके गुनाहगार हो। जिस दिन मरियम ने तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दिया, उस दिन उसकी सारी यादें धुल गई।